पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू और स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी के समर्थन में विशाल आमसभा को संबोधित किया। आमसभा में एवं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी एवं विधानसभा प्रभारी सतीश फौजी मंच पर मौजूद रहे। हजारों की संख्या में जनता भी आमसभा में मौजूद रही। आमसभा के चलते पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी को ईमानदार छवि का नेता बताया। विधायक केपी सिंह ने मंच से कहा कि अरविंद लोधी जी एक साल पहले ही मुझसे जुड़ चुके हैं और एक साल के अंदर अरविंद लोधी की पत्नी जनपद अध्यक्ष बनी और पिछोर विधानसभा से अरविंद लोधी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। विधायक केपी सिंह ने कहा कि अरविंद लोधी ईमानदार व्यक्ति हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और ना ही वह कभी जिला बदल रहे हैं। और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन पर कई मामले दर्ज होते हैं, कई बार चुनाव हार जाते हैं, हार हार कर नेता बन जाते हैं। विधायक केपी सिंह ने कहा कि हमने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की, तो कोई व्यक्ति हमारे साथ भी गद्दारी नहीं कर पाएगा, परिणाम वही आएगा जो आम मतदाता चाहता है। स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने भाजपा को भ्रष्ट सरकार बताया। इस तरह विधायक केपी सिंह कग्गाजू एवं स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी के समर्थन में आज विशाल आमसभा को संबोधित किया और आने वाले 17 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। परमेश्वर तो कभी साथ में बैठे ही नहीं है, इनके लिए तो गाना भी गड़ा गया है और हम सबको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि आज आपको एक सरल स्वभाव छवि के धनी अरविंद लोधी जैसा एक प्रत्याशी मिला है जो सबको प्रणाम करना जानता है और सेवा करना जानता है। और दूसरे प्रत्याशी की अगर मैं बात करूं, मैंने तो आप सबके मुख से ही इनकी तारीफ को सुना है कि किस तरीके से ये अपनी धौंस जमाना जानते हैं और लोगों का अपमान करना जानते हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि जब जब किसी ने लोगों का अपमान किया है तब तब पिछोर विधानसभा के आम जनमानस ने इतिहास रच दिया है।